Hello everyone, I am Anuradha प्रदर्शनी and once again welcome to my channel current affairs with Anuradha. आज मैं आप लोगों के साथ रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स डिस्कस करूंगी. ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है. अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इसको फ्राइडे को इनॉग्रेट किया है. इसके कुछ एक्सेप्शनल पैरामीटर्स पे भी है. वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी. इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए. अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए अब हम लोग इस प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं. रेवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को इनॉग्रेट किया है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है. मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में है. ये जो पूरा जो सोलर पार्क है वो 1500 हेक्टेयर्स के प्लॉट पे है, जिसमें 500 हेक्टेयर्स करके इसको थ्री प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, थ्री यूनिट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है. और पर यूनिट की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो 250 मेगावाट्स ईच है. ठीक है, इस प्रोजेक्ट का एक और हाईलाइट ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर रहा है, इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सिमेटली 15 लाख टन ऑफ CO2 पर ईयर. इसका एक और एक्सेप्शनल चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये पहला इंडिया का सोलर प्रोजेक्ट है जो कि ब्रेक द ग्रिड पैरिटी बैरियर्स इस पर स्थापित है. देखिए, ग्रिड पैरिटी बैरियर की वजह से क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो इससे जनरेट होगी उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है. अभी तक इंडिया में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है. इसके वजह से इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी. लेकिन ये ग्रिड पैरिटी बैरियर की वजह से क्या होगा कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत अफोर्डेबल हो जाएगी. तो ये एक इसका बेनिफिट है. चलिए इस प्रोजेक्ट के कुछ और हाइलाइट्स को हम देखते हैं. ये जो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसको एक जॉइंट वेंचर के तहत डेवलप किया गया है और ये जॉइंट वेंचर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का. ये जॉइंट वेंचर के तहत इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया गया है. आप इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट का एक जॉइंट वेंचर है. दोनों का स्टेक जो है वो 50-50% है, मतलब दोनों की जो भागीदारी है डेवलपमेंट के लिए वो 50-50% की है. चलिए, इसके लिए सेंटर ने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था और सेंटर ने जो मदद की थी वो 138 करोड़ रुपीस की थी. ये पहला ऐसा सोलर पावर प्रोजेक्ट पार्क है इंडिया का जिसको वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग दी थी. वर्ल्ड बैंक ने इसको 2018 में $30 मिलियन की फंडिंग दी थी. ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक के क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तहत फंडिंग इसको मिली थी. चलिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ग्रिड पैरिटी बैरियर कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है और ये कंट्री का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ग्रिड पैरिटी बैरियर पे है. देखिए, इस ग्रिड पैरिटी बैरियर पे बनने से इसका प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास करती है, जो ग्रिड के थ्रू पास करती है, उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है, पर यूनिट की कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है. पर जो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो सोलर जो एनर्जी जनरेट करती है, सोलर प्रोजेक्ट जो एनर्जी जनरेट करती है, उसका जो पर यूनिट की कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आती थी. अगर आप यहाँ पे एक डाटा के हिसाब से देखेंगे तो 2017 में जो सोलर प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी उसके पर यूनिट की कॉस्ट थी 4.50 RS. लेकिन रेवा प्रोजेक्ट का क्या है, फर्स्ट ईयर का टैरिफ जो है वो 2.97 है RS है पर यूनिट की टैरिफ. तो ये काफ़ी कम है, मतलब ये बहुत अफोर्डेबल पे ये बिजली जो है उपलब्ध हो रही है. और इसमें ऐसा आकलन भी किया गया है कि 15 साल तक ओनली 0.05 पर यूनिट्स ही बढ़ेंगे हर एक साल करके, इतने पैसे ही बढ़ेंगे. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से जो पहले का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट थे उसके पर यूनिट की कॉस्टिंग और अभी के जो पर यूनिट की कॉस्टिंग इस प्रोजेक्ट से जो आ रही है वो काफ़ी कम आ रही है. तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है इस प्रोजेक्ट का. चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 750 मेगावाट जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी उसको यूज़ कैसे किया जाएगा. देखिए, ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो ये जनरेट करेगी वो मध्य प्रदेश के अलावा कोई दूसरा स्टेट भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकेगा. दूसरा, ये एक पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसकी इलेक्ट्रिसिटी को कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो यूज़ करेगा. तो दो एक्सेप्शनल यहाँ पर मैंने आपको बताए. ये जो 100% मतलब 750 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी उसमें 24% जो इलेक्ट्रिसिटी उसको दिल्ली मेट्रो यूज करेगी. तो ये एक दिल्ली मेट्रो इंस्टीट्यूशनल भी हो गया, साथ ही साथ ये दिल्ली है तो मध्य प्रदेश से काफी दूर भी है और दूसरा स्टेट है. तो ये जो है ये इसके एक्सेप्शन में अपनी यहाँ पे देख ली कि 24% जो है वो दिल्ली मेट्रो यूज करेगी, जो कि इसके 90% जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है उसको ये जो रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसकी 90% जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है हर दिन की उसको पूरा कर देगा. इसके अलावा 76% इलेक्ट्रिसिटी है जो वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यूज करेगी. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को सेल करेगी और वो इनकी इसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे.
चलिए एट लास्ट हम लोग कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं। फॉर इट्स इनोवेशन एंड एक्सेलेंस के लिए रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट अवार्ड जो है वो इसको रिसेंटली मिला है। इसके बाद पीएम मोदी की जो बुक है ए बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगनिंग, उसमें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं दो बिगेस्ट रिकॉग्नाइजेशन इस प्रोजेक्ट को मिल गया है। इसी के साथ मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के जितने भी डिटेल्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट एज सुन एज पॉसिबल मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही जितने भी अपडेटेड करेंट अफेयर्स रहेंगे मैं उससे आपको अपडेटेड करती रहूँगी। वीकली करेंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है वो भी मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है, आप उसको भी देखिए। मैं हर एक मंथ आपको वीक वाइज जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे उससे आपको अवगत कराती रहूंगी। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से आप उसे भी देखिए। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। इस कोविड के टाइम पर स्टे एट होम स्टे सेफ। थैंक यू।